दोस्तों, झारखंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग का निर्माण कार्य फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। यानी मैं बात कर रहा हूं देवीपुर स्थित एम्स परिसर के एकेडमिक बिल्डिंग की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देवघर एम्स के 22 मंजिला एकेडमिक बिल्डिंग का कार्य फाइनल स्टेज में पहुंच गया है और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक एकेडमिक बिल्डिंग को हैंडओवर करने की तैयारी की जा रही है। देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वारसिनी द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार एकेडमिक बिल्डिंग में फिनिशिंग वर्क का कार्य चल रहा है। NBCC द्वारा हैंडओवर किए जाने के बाद एकेडमिक बिल्डिंग में देवघर एम्स का ऑफिस और छात्रों की पढ़ाई भी शुरू की जा सकती है। अप्रैल में MBBS के नए छात्रों को नई बिल्डिंग में ही पढ़ाई की जाएगी। 22 मंजिला एकेडमिक बिल्डिंग चालू होने के साथ साथ 14 मंजिला बॉयज हॉस्टल और 15 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल की भी तैयारी हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार देवघर एम्स में 100 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। इसके लिए यह जरूरी था कि जल्द से जल्द बिल्डिंग के निर्माण कार्य को पूरा किया जाए ताकि अप्रैल माह से शुरू होने वाले एकेडमिक ईयर को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर सुचारू रूप से पढ़ाई की जा सके। दोस्तों, देवघर में बनने वाले झारखंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।